क्या 2019 चुनाव में अखिलेश की पार्टी से गठबंधन करेंगे शिवपाल? एसपी से गठबंधन के लिए शिवपाल ने कौन सी शर्त रखी है? समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद ही शिवपाल यादव लगातार अपने भतीजे और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार हमले बोल रहे हैं। अखिलेश से शिवपाल की नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने अपने भतीजे की तुलना कौरवों से भी करने से गुरेज नहीं किया। इतने नहीं, आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन इस बीच शिवपाल ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन उन्होंने इसका हिस्सा बनने के लिए एक शर्त भी रखी है। शिवपाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे को लेकर गठबंधन के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उन्हें एसपी से यूपी में आधी सीटें चाहिए। शिवपाल ने कहा कि यूपी में अगर एसपी को गठबंधन की 40 सीटें मिलती हैं, तो उन्हें 20 सीटें चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें एक सीट वो नेताजी यानी अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के लिए छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में उनके समर्थन के बिना केंद्र में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, ये समय बहुत ही अहम है। इतना ही नहीं, उन्होंने समान विचारधारा की 45 पार्टियों के संपर्क में होने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें कि एसपी छोड़ने के बाद से ही शिवपाल न सिर्फ अपना कुनबा मजबूत करने में जुटे हैं, बल्कि वो एसपी में सेंध भी लगा रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो शिवपाल आगामी लोकसभा चुनाव में भले ही कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो, लेकिन वो अखिलेश की पार्टी का बंटाधार जरूर कर देंगे। हालांकि शिवपाल की शर्त पर अखिलेश का कोई जवाब सामने नहीं आया है। ऐसे में देखना होगा कि अपने चाचा की शर्त को मानने के लिए भतीजा अखिलेश तैयार होते हैं या नहीं।